क्योंकि जो भी इंसान अभी स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट कह रहा है, मुझे एक बात बताओ, मैं 1, 2, 3, 4, 5 छह से पूछना चाहता हूँ, मॉडर्न डे क्रिकेट का पिछले 10 सालों में कौन सबसे बढ़िया बैटर है? विराट कोहली, विराट कोहली, अरे क्रिकेट का, हाँ अगर ऑल विराट कोहली है ना, विराट कोहली है भाई साहब। पहली इनिंग की ब्रेक के बाद विराट कोहली ने खुद बोला है ये पिच वैसी नहीं थी जहां पर रन्स आ रहे थे, जहां बॉल इजीली आ रही थी। अब आप लोग कहेंगे भाई साहब बटलर मार गया, बटलर ने जब मारा है तब ड्यू आ गई, ये खुद संजू सा बोलो बोलो, ये खुद संजू सैमसन ने वहां पर आकर कहा है भाई विराट कोहली को अब ये ना कहना कि हम विराट कोहली को सिखाएंगे बैटिंग कैसे होगी। विराट कोहली से जिस दिन नहीं लगती रहा, वो बंदा खुद आके कहता है मेरा दिन नहीं था, मेरी बॉल बैट पर नहीं लग रही थी। उसने ऐसी स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं। आज अगर वो आकर खुद इतनी बात कह रहा है कि बॉल फंस कर आ रहा था, बॉल होल्ड होकर आ रहा था, और ये सब फैक्टर्स कितने सारे फैक्टर्स हैं जो है विराट के अगेंस्ट जाते हैं। बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा, सामने से साथ नहीं मिल रहा। अब विराट भाई मैच्योर क्रिकेटर है बेटा, विराट अभी कोई यंगस्टर क्रिकेटर नहीं है जो आते ही लप्पे चौके छक्के लगाने के चक्कर में अपनी विकेट गिर के चले जाएगा। वो विकेट गिर के चला गया, पीछे टीम में कुछ है नहीं, वो उसको खुद पता है भाई, उसको टीम बचा कर खेलनी है, टीम संभाल कर खेलनी है। तो विराट को मॉडर्न डे क्रिकेट और स्ट्राइक रेट कोई लोग ना ही समझाए वो ज्यादा बेहतर है। एक बार स्कोर कार्ड दिखाना बोलिए। 14 ओवर में 125 रन थे, ठीक है जी, 14 में 125 विदाउट लॉस, 125 विदाउट लॉस, ठीक है। कितने की होगी रन रेट? 8.5 के आसपास, ठीक है, ठीक है। फाफ ने कितने बॉले खेली है? 33 बॉल, ठीक है, और वो आउट हो गया उसके बाद 14 ओवर, 6.5 ओवर खेल लिए। हाँ 6.5 ओवर खेली है। विराट कोहली ने कितने ओवर खेली इसमें? 12 ओवर, 12 ओवर, कितने ओवर खेली है? 12 ओवर, नहीं नहीं फाफ को हटा दे तो विराट ने इसके में कितने ओवर खेली है? 8 ओवर के तकरीबन, ठीक है। 44 माइनस कर दें 33 माइनस करो आपका 84 में, तो ये बनता है 55 बॉलों में। 55 बॉलों में कितने रन है? 81 रन है। अब ये 55 बॉलों में 81 रन के स्ट्राइक रेट, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, मेजॉरिटी ऑफ द बॉल किसने खेली? विराट ने खेली, विराट कोहली ने। रन कितने बनाए? 81 नहीं नहीं बता रहा हूं मैं, 55 बॉलों में 81 रन विराट कोहली ने बनाए उस टाइम पे। अब स्ट्राइक रेट देखो भाई, विराट एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं नहीं सेकंड, चलो एक्स्ट्रा कर, ऐसा नहीं होता, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं होता। एक टाइम पर विराट कोहली मेरे ख्याल से 33 पे 36 थे, तो वही विराट कोहली, एक सेकंड सुन लीजिए आप जो पॉइंट बोल रहे हैं, एक टाइम पर विराट कोहली 5 ओवर खेल के मेरे ख्याल कुछ 35 या 36 रन ही थे, वो रन बॉल आ चुके थे, उसके बाद एक छक्का लगा था जब उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी बेटर हुई थी। शुरुआत उन्होंने फैफ से, ये ना मैच बड़ा अजीब गया है, शुरुआत विराट ने बहुत तेज करी, फैफ से नहीं लगा, विराट से फैफ से रन नहीं लगे इतने अच्छे, विराट तेज खेला, फिर वो जो ओवर आया अश्विन का वहां पे 3 रन आए, उसके बाद दोनों स्लो लगे, फिर फैफ ने लपेटा बोल्ट को, वहां पे विराट स्लो था, विराट के रन नहीं आए, वो जो 4 रन 7 रन वो बॉले वेस्ट हुई। तो विराट की स्ट्राइक रेट इतनी ज्यादा नहीं थी, 140-137 इतनी गिर गई थी। यही तो सवाल है ना जो मॉडर्न डे क्रिकेट पे मेरे को समझा रहे थे कि कोई बोला है मॉडर्न डे क्रिकेट, तो मॉडर्न डे क्रिकेट ही ये होता है कि जहां पर आपने अगर 6 ओवर में मोमेंटम सेट कर लिया, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने स्ट्राइक रेट को नीचे लेकर आ जाओ, फिर लास्ट में आप कंपनसेट करने की कोशिश करोगे तो शायद आप वहां ना पहुंच पाओ जहां आपको पहुंचना चाहिए। अब ये डिफरेंस इन ओपिनियन, मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं 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 नहीं, पिच होती तो आप मत, एक सेकंड एक सेकंड साक्षी, एक सेकंड, ये बात आपको चाहे अच्छी लगे चाहे चुभे, ये एक आइडियोलॉजी है कि भाई चाहे विकेट जाए चाहे जो मर्जी जाए, स्ट्राइक रेट नेट रन रेट नीचे नहीं होने दें। काफी टीमें ऐसा खेलती है अंधाधुंध टाइप की, लेकिन पांडे जी इसमें मैं जवाब आपको ये दूंगा, फैफ डुप्लेसी से बैटिंग नहीं हो रही थी, फैफ डुप्लेसी ने एक ओवर पकड़ा है बोल्ट का जहां उसने 2 छक्के मारे, ना वो अश्विन को मार पाया, यूजी की तो बॉल उसको हवा ही नहीं लग रही थी, और अल्टीमेटली किस पे आउट हुआ है वो, आई थिंक बर्गर पे आउट हो गया, वो किस पे आउट हुआ है? बर्गर पे एक बार दिखाई, बर्गर पे आउट हुआ है, बर्गर पे आउट, या यूजी ने आउट करा था, हाँ यूजी ने आउट करा, यूजी की 2 लगातार बॉलों पे आउट हो गया, कैच बटलर उसकी, हाँ उसकी यूजी ने आउट करा, उसकी पहले कैच ड्रॉप हुई और उसके बाद वो आउट भी हो गई। ये पिच पे अगर आप ड्रामेबाजियां करने के लिए जा रहे थे तो आप आउट ही हो रहे थे। आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हो, देखो
मॉडर्न डे क्रिकेट सिर्फ बॉल देने से वही हाल होता है जो इंग्लैंड का इस ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ है कि जी हम तो आएंगे मारेंगे हमारे पे उधर आ जाए, ऐसा नहीं होता। बट इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप जीत गया, इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जीत गया, मान लिया मैंने, अलग बात है, उसको उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। हालांकि उसमें भी जब वो गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनसे 130 140 भी चेज नहीं हो रहा था, मुश्किल पड़ गई थी उनको, वो अलग बात है। तब मॉडर्न डे क्रिकेट चला गया था वहां पे। अगर आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, अगर आप फाइनल देखेंगे तो बेन स्टोक्स क्योंकि 130-140 चेज कर रहा था, टुक टुक करने लग गया था, नसीम शाह की बॉलिंग पे हंसने लग गया था। आज मैं आपको सेम चीज बोलता हूं कि सरफेस को देखते हुए, जो बाद में लोगों को लग रहा सरफेस आसान है, नहीं थी आसान, नहीं वो तो ड्यू, उनके बॉलर आसान थे, हिमांशु आसान था और डागर आसान था। विराट कोहली ने जब देखा, ना विराट से लग रहा था और ना ही फैफ से लग रहा था, जैसे लक्षित ने बोला, खुद ने बोल दिया भाई। मॉडर्न डे क्रिकेट और ये सारी बातें ठीक लगती है जब पिच सपोर्ट करती है। जिस दिन पिच ट्रिकी होती है ना, किसी से नहीं खेला जाता, किसी से नहीं खेला जाता। तो आज की डेट में विराट कोहली ने जो आज मैच खेला है और जिस तरीके से खेला है, आई थिंक फैफ के डेफिनेटली आउट होने के बाद आप अगर देखेंगे किससे खेला गया, 133 पे फैफ गया, मैक्सवेल आया दूसरी बॉल पे, उसने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश करी, लप्पा घुमाया, बोल्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए सौरभ चौहान आया, उसने 6 में 9 मारे, आउट हो गया वो, ये भी बड़ा प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, इसने अश्विन को छक्का मार लिया लेकिन आउट हो गया। कैमरन ग्रीन मॉडर्न डे क्रिकेट, जिस मैच में विकेट्स इन हैंड होने के बावजूद रन ही नहीं लग रहे, विराट विराट को छोड़ दो अभी, मैं तो बात कर रहा हूँ फैफ की, मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैक्सवेल की, मैं बात कर रहा हूँ चौहान की, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन की, किसने रन मारे हैं? कोई भी नहीं मार पाया, एक ही बंदे ने मारे। और एंड में डेथ ओवर्स में भी आप याद कर लीजिए, विराट ने ही आवेश को चौके मारे हैं, विराट ने ही वो लास्ट ओवर में भी चौके विराट ने ही मारे हैं। जो भी रन आए हैं एंड में, यार इस पूरे मैच में जो भी रन आया विराट नहीं मारे, उसी ने खेला, इसी से पता चल जाएगा कि बाकी टीम ने 122 की स्ट्राइक रेट से खेला है। तो अगर आप बोलते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट अप करके खेलो, मैंने मान लिया, लेकिन टीम जो फंसी हुई थी ना, अब जैसे 82 नॉट आउट वाली पारी है, वहां पे विराट कहता नहीं हम है 20 पे जो भी है 4-5 मॉडर्न डे क्रिकेट खेलूंगा, आपने हारना ही था। आज एक गोल आपकी टीम एक गोल में थी, वहां से निकाला है इन्होंने, एक सेकंड आप चार डाउन थे। इवन लक्षित आप पे आ रहा हूं, आपके ऊपर ही आ रहा हूं। इवन जब ये खेलना शुरू करा राजस्थान रॉयल्स ने, तो आप देखिएगा कि जॉस बटलर और संजू सैमसन भी मॉडर्न डे क्रिकेट तब तक नहीं खेला जब तक आसान बॉलर नहीं आए, जब तक ड्यू फैक्टर ज्यादा नहीं आया। वो भी बड़ा आराम से ही खेल रहे थे, बिकॉज पिच में कुछ था नहीं बैटर के लिए शुरू में, वो भी टुक टुक ही कर रहे थे। आप देखा आपने शुरू में एक आउट हो गया, यशस्वी जायसवाल गया और मॉडर्न डे क्रिकेट आउट हो गया। वहां पे वो पहले सेट हुए, उन्होंने टाइम लिया, फिर उनको मिला डागर, पेला उसको, फिर उनको मिला हिमांशु, मारा उसको ठोका, वहां से मैच खत्म हो गया। ये हुआ है। अब लक्षित कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर आप इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि यार वहां पर एक पिच का फैक्टर, समझ गया पांडे जी, वहां पर वो सिचुएशन ही नहीं थी यार मेरी जान। मैं मान के तुम कह रहे हो मॉडर्न डे क्रिकेट, भाई मेरा पॉइंट कुछ नहीं है, अगर पिच उसको वो सपोर्ट नहीं दे रही थी। इवन ये सुशांत भाई की बात से बहुत सहमत रहूंगा कि दूसरी पारी में भी ये चीज चली, सैमसन और बटलर पहले से नहीं मार सकते थे, वो पहले से ही मार लेते, क्यों नहीं मार रहे, तब सिंगल डबल क्यों कर रहे थे। ड्यू आई स्पिनर जब आए भाई, उनके स्पिनर्स की बॉल ग्रिप कर रही थी, इनके स्पिनर्स की बॉल स्किड होकर जा रही थी, एक्सपीरियंस थी वहां पर, ड्यू आ गई। अब मैं बताऊं क्यों नहीं मार रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि आगे क्या होना है, यहाँ पे उनको पता था कि ड्यू आनी है यहाँ पे, जो आप बोल रहे हो ना कि वो पहली पारी क्यों नहीं कर सकते। और जब पहली पारी में गेंद फंस रही थी, वहां पर भी आप देखो बाकी किसी और बैटर से क्यों नहीं लगे, बिकॉज उनका पोटेंशियल, उनका वो खेलने का तरीका विराट के जैसा नहीं है, विराट के जितना नहीं है। You have to accept and appreciate today. Why is वही तो पॉइंट। देखो मैंने पहले भी बोला कि विराट कोहली के साथ ये एक बार नहीं दो बार नहीं, ये आगे भी होगा। सबसे बाहर करने की बात सोच नहीं, ये तो पॉइंट ही नहीं है। आप फिर वर्ल्ड कप लेकर आ रहे हो, वर्ल्ड कप की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है इस मैच की। नहीं लक्ष्य किया था पॉइंट, वो जो बात करी वो अलग बात है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही थी, तो मेरा एक पॉइंट था कि मॉडर्न डे क्रिकेट, अगर आप पिछले सारे वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, जो टी20 वर्ल्ड कप हुए हैं, जरूर विराट कोहली मॉडर्न डे लेजेंड है, लेकिन वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीत गया इसी तरीके से। मैंने नहीं देखा इंग्लैंड की टीम में कोई इस तरीके से एंकर रोल वाली वो बात करते हैं, या वेस्ट इंडीज की टीम में कोई एंकर रोल वाली बात करता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई एंकर रोल वाली बात करता है। हाँ जब जरूरत पड़ती है, उस दिन जरूरत ऐसी थी, शुरू में 2-3 विकेट गए थे तो बेन स्टोक्स ने वैसे खेला, फाइनल में जरूरत जब पड़ती है तब वैसा खेला जाता है। क्या आज ऐसी जरूरत थी? कहाँ जरूरत है यार, मुझे बताओ, एक मिनट, जब 14 ओवर में एक विकेट है, पाटीदार कार्तिक बड़ा पड़ा रह गया, विकेट गई है,
तो आपकी कौन सी जरूरत है यार, आओ मारो ना यार, खत्म करो बात भाई। 70 बॉल पे 150 बना दे। अरे एक मॉडर्न डे क्रिकेट भाई आउट हो जाए, नीचे बैटर पड़े हैं। नहीं देखिए एक खेल है, नीचे बैटर पड़े हुए हैं। एक बात से दिनेश कार्तिक ने आपको दो मैच जिताया है। एक बात से नितिन की मैं एग्री करता हूं कि T20 गेम ही है भाई, मारो या जाओ, खत्म बात। जब 14 ओवर हो चुके हैं और 7 ओवर पड़े हैं भाई, हर ओवर में एक विकेट भी दोगे ना तो भी तुम आउट नहीं होगे, ऑल आउट तो भी 11 विकेट नहीं जा रहे। और ऑब्वियसली उसके बाद तो तुम्हारे रन नहीं बनेंगे अगर हर ओवर में विकेट जाएगी, लेकिन आप 3 ही विकेट आउट हो ना, थोड़े से रिस्क तो आप ज्यादा ले सकते थे। देखो एंड ऑफ द डे आज भी ये क्रिटिसिज्म हुआ है कि 100 जब पास आए तो सिंगल लिया है, फुल टॉस पे सिंगल लिया है, उससे पहले एक डॉट भी आई है 99 पे, शायद एक डॉट भी आई है उसके, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन आई है। और उसके बाद आपने सिंगल ही लिया है। तो नितिन आप यही बोलना चाह रहे थे मेरे? नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, हाँ जरूर मैं मानता हूँ कि जब आप T20 क्रिकेट की बात करते हो, शुरू में मारने आते हो, रैश शॉट कभी कभी खेल लेते हो, जैसे आज जायसवाल आउट हुआ, बट वहां पर जब एक विकेट जल्दी आ गई 183 के चेज में, तो दे प्लेड सेंसिबली कि भाई जल्दी हमारा जायसवाल आउट हुआ है, वी नीड टू बिल्ड अ पार्टनरशिप। ऑन दी अदर एंड जब आरसीबी की बात हो रही है भाई, 14 ओवर में तो विकेट गई है जाकर, ये बात कोई क्यों नहीं देख रहा? 14 ओवर में तो विकेट गई है उनकी, तो वहां पर मॉडर्न डे क्रिकेट अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? तब पिच मुश्किल थी, बॉल पर यार, ये मुश्किल थी यार, पिच को तुम भाई एक मिनट, लेकिन तुम्हारी थोड़ी स्टेटमेंट में पिच को इक्वेशन से निकाल दिया। नहीं मैं एक मिनट इस पिच वाली बात में भी गलती हो रही है। मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली या आरसीबी की टीम ने स्लो किसको खेला? खेला गया वहां पर अश्विन को और चहल को, वो होते हैं आपके 8 ओवर। क्या कोई पेसर पे 2 छक्के नहीं मारे? मारे सबको, मारे सबको, मारे ना, बोल्ट को मारे, बर्गर को पेला गया, सबको मारा गया। तो विराट कोहली जैसा बल्लेबाज, महान बल्लेबाज, अश्विन को नहीं छक्के मार पा रहा है, साथ की इकोनॉमी क्या इतनी खराब विकेट थी? क्या इतना बड़ा बड़ा हम टर्न देख रहे थे? क्या ऐसी आप सुन तो लो, देखो यूजी फसाया, यूजी को 2 छक्के मारे विराट ने, लेकिन यूजी ने आज डोमिनेट करा है विराट को, यूजी ने बहुत बार बीट करा है विराट को। और जहां पर अश्विन की बात है, अश्विन के अगेंस्ट तो इन्होंने चांस ही नहीं लिया, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अश्विन के अगेंस्ट चांस नहीं लिया, तो यही तो गलती है। लास्ट ओवर बोलूंगा, यही तो हम बात कह रहे हैं, जो पिच की बात है, पिच आई है 8 ओवर के गेम में, जो सारा पिच बोल रहे हैं, 8 ओवर में भी मिल नहीं, वो 4 ओवर जहां आपने अश्विन को रिस्क नहीं लिया, तो ये आपकी गलती है। आपने एक मिनट आप सुन तो लो यार, अश्विन ने कब कब बोलिंग की? पावर प्ले में एक ओवर डाला, क्या 5वें ओवर में अश्विन के 3 रन बनते हैं? पावर प्ले चल रहा है, क्या 3 रन बनते हैं? क्या ऐसी बोलिंग हो रही थी? अश्विन ने उसके बाद बोलिंग की क्या मिडिल ओवर में? चलो मान लेता हूँ 7 रन बनते हैं, 8 रन बनते हैं, मान लिया। क्या अश्विन के आप किसी भी ओवर में, अच्छा एक चीज और, क्या हमने नहीं देखा कोलकाता में जहां पर विकेट नेचुरली टर्न करती है स्पिनर्स को छक्के खाते हुए? देखा है। क्या हमने नहीं देखा चेपॉक में जहां विकेट टर्न करती है स्पिनर्स को मार खाते हुए? देखा है। तो भाई ऐसी भी विकेट है जहां पर बॉल ग्रिप भी हुई है, टर्न भी हुई है, स्पिनर्स को रन पड़ते हैं। पॉइंट ये है कि वहां पर आपने रिस्क नहीं लिया। अब आप देखो विराट, एक सेकंड एक चीज और बोलूंगा, विराट कोहली की इनिंग, विराट कोहली की इनिंग जो है सब मास्टर क्लास थी आज, मान लिया, लेकिन बीच बीच में ये जो चीजें थी भाई, अश्विन साथ की इकोनॉमी से नहीं बनता था, मुझे लगता है नहीं बनता। अल्टीमेटली पॉइंट ये है, विराट की कैलकुलेशन के हिसाब से, बिकॉज उनसे ज्यादा तो भाई क्रिकेट किसी को नहीं पता, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड है वो, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या इस पिच पे विद द बैटिंग लाइनअप दैट ही हैज, जो फॉर्म उनका लगा हुआ है, एंड विद द बोलिंग दैट राजस्थान रॉयल्स हैज, जो क्वालिटी ऑफ बोलिंग भाई राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट मुंबई इंडियंस 125 पॉल आउट हो गया था वानखेड़े में, ये भी याद रखिए, इन्होंने 183 मार दिया। क्या विराट वुड बी हैप्पी कि भाई 183 मैक्सिमम हम बना सकते थे? इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते थे, ये फैफ के फॉर्म के साथ, ये मैक्सवेल के फॉर्म के साथ, ये बाकियों को किसी का भरोसा नहीं, ये कैमरन ग्रीन से बैटिंग नहीं हो रही, और ये अश्विन, यूजी, बोल्ट, बर्गर, आवेश, इनके सामने हमारे 183 में हमने एक एज अ टीम डिसाइड करा है कि हमारी बैटिंग आई है, तो क्या पार स्कोर रहेगा? भाई आप डिसाइड करते हो ना कि पार स्कोर क्या रहेगा? क्या विराट ने और टीम ने ये बोला कि भाई इस पिच के ऊपर पार स्कोर 183 है? एंड अगर पार स्कोर 183 है, तो फिर ये मैं बोलूंगा कि विराट और मैनेजमेंट की गलती है कि भाई आप हिमांशु और डागर मैच, फिर मैं बोलूंगा भाई आप वही हारे हो, आप ऑप्शन भी जो इनके 4 ओवर आए हैं 34+29 63 रन दिए 4 ओवर में, 63 इन चेज ऑफ 183,
और 20वें ओवर तक फिर भी मैच गया। उधर दोनों बंदे वो दोनों इतनी तेज खेले, एक 172 की स्ट्राइक रेट से, एक 164 की स्ट्राइक रेट से, फिर भी 20वें ओवर में जाके चेज हुआ है। तो मेन डिफरेंस ये मयंक और हिमांशु ही है। तो अल्टीमेटली आई थिंक इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि 180 इज पार स्कोर, विच इज देयर बिगेस्ट मिस्टेक। वही तो कैलकुलेशन, बिकॉज ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है कि भाई यहाँ पे 183 पार नहीं था, 184 पार नहीं था, जो भी था। देखो मैच के बाद दो लोगों की स्टेटमेंट बताता हूँ, कुमार संगकारा, उन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ हम टॉस जीते, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बाद में ड्यू। टॉस जीतना बहुत ज्यादा फेवर में गया राजस्थान के। दूसरा स्टेटमेंट फेफ डुप्लेसिस ने बोला है कि भाई जो पहली इनिंग में जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी, बॉल आई नहीं रही थी बैट पे, और सेकंड इनिंग में सातवें आठवें ओवर के बाद उन्होंने बोला कि बैटिंग इतनी इजी हो गई जो आपने बटलर और सैमसन ने देख लिया। तो ये दोनों के बॉल पकड़ना मुश्किल हो गया। साक्षी को चांस दे दीजिए जी। साक्षी, यहाँ पे जो ये पूरा डिस्कशन चल रहा है, सिर्फ स्टूडियो में नहीं, पांडे जी के लिए भी स्पेसिफिकली नहीं, बट सारे सोशल मीडिया के लिए भी, आप उठा रहे हो क्वेश्चन विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे, ये कि अकेले खेले, वॉट एवर, सिंपल सी चीज है यार। जब आपकी क्रिकेट न्यू एज क्रिकेट, आपने बोला ना पांडे जी, न्यू एज हो ओल्ड एज हो, क्रिकेट इज अ टीम गेम ऑफ 11 प्लेयर्स। यू गो अराउंड विद एटलीस्ट 6 or 7 बैट्समैन। उन 6 या 7 बल्लेबाजों में से आप उम्मीद रखते हो कि कम से कम 4 ऑन अ गिवन डे क्लिक करेंगे। ये गेम पार्टनरशिप्स का होता है, बिल्डअप का होता है, एक टीम स्ट्रेटेजी होती है। जब ये सब कुछ ओवर द ईयर्स आपकी टीम के लिए काम नहीं किया, और अगर मैं 2024 की ही बात करूं, नहीं काम कर रहा है अभी तक, तो एक खिलाड़ी के ऊपर सारा यहाँ पर ये प्रेशर डालना कि वही परफॉर्म करे, जब वो करे और क्वेश्चन करो आप, एक सेकंड आप करो भी क्वेश्चन, आई थिंक इट इज स्टूपिड। आई विल से इट पॉइंट ब्लैंक, इट इज स्टूपिड, इट इज सेंसलेस, बिकॉज़ जब आपकी बाकी कोई भी खिलाड़ी चल ही नहीं रहा है यार, तो जो एक खिलाड़ी चल रहा है उसमें भी आप नुक्स निकालो कि उसने एंडिंग ओवर्स में जाके स्ट्राइक रेट अप क्यों नहीं किया, उसने मिडल ओवर्स में जाके अपना स्ट्राइक रेट क्यों नहीं बढ़ाया, सामने से सपोर्ट क्या मिला यार। यू टॉक ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट इज अबाउट पार्टनरशिप। जैसे आपने बोला कि आपने बोला साक्षी बोल रही है, फैफ डुप्लेसी ने 33 बॉलें खेली, आपने बोला, और 44 बनाए उसमें, 6 ओवर उसने खेल लिया, 6.5 ओवर, 133 की स्ट्राइक रेट में, तो बचा क्या है फिर? तो मैम भाई विराट को एंड में जाके 170 हो गया। अच्छा मैम बोल रही है 3 दिन 11 प्लेयर्स की होती है, 120 में से तकरीबन 100 के आसपास, पता कितना 80-90 के आसपास अगर फाफ और विराट खेलकर जा रहे हैं तो बाकी क्या करेंगे? उसको खत्म करने दे फिर। है पूरा 20 ओवर का क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, अग्रीड, सबको पता है क्रिकेट टीम गेम है, लेकिन टीम के जब दो ही प्लेयर, पार्टनरशिप्स का भी है, जब टीम के दो ही प्लेयर 18 ओवर खेलेंगे, 72 बॉलें खेली विराट कोहली ने, कितने होते 12 ओवर, 33 कुछ बॉलें खेली फैफ डुप्लेसिस ने, कितने ओवर हो गए 6 ओवर, तकरीबन 5.5 ओवर आसपास, 12.5 लगभग अप्रोक्सीमेटली 18 ओवर दो प्लेयर्स खेल के गए इस टीम के। तो बाकियों को कितने, बाकियों को 2 ओवर मिले यार, बाकियों को मिले भी ओवरऑल 2 ओवर। अरे भैया यार फिर वही बात, तो आपने ही 18 ओवर में आपने क्या मान लिया, एक सेकंड समझिए, आपने यहाँ पर एंड में जाके 157 की स्ट्राइक रेट से फिनिश किया, वही फैफ डुप्लेसी ने 133 की स्ट्राइक रेट से फिनिश किया, वो 33 बॉलों में आउट हो गया, विराट खेल गया लंबा और 72 बॉल्स में, अगर विराट भी 33 बॉलों पे आउट होता तो शायद उसकी भी स्ट्राइक रेट 134-140 ही होती, इतनी चल रही थी, 140 से ऊपर नहीं जा रही थी इतनी बॉलों पे, ठीक है ना। सो व्हाट द पॉइंट इज कोबरा इज ट्राइंग टू मेक इज, भाई अगर आपसे नहीं लग रही थी आप थोड़ा पहले ही आउट हो जाते भाई। एनी बैटर हु कम्स इन, हर दिन नहीं होता कि आपको 6 बॉलें मिले और आप 4 छक्के मार दो, आपको आई सेट करने के लिए बॉलें चाहिए होती है, जैसे विराट ने ली और जैसी फैफ डुप्लेसी ने ली। तो अगर आप दोनों 18 ओवर खेल के जाते हो तो आप ये डिसाइड कर लो कि बॉस 183 गुड इनफ और नॉट।